चल ही मिल लो। ओ क्या जाना हमें ना चरना घुमाया कर रहे थे आज 20-22 तारीख हो गई इन्हें कौन नाच नहीं मार रहा है दाव की मृत्यु नाच रहे भी बात डांग से बना के हम जाते बाजे में इसे बैठे तीन दिन आके आए नाच ले बहुत लाइन नहीं कलम मशीन खराब है भगा दिए तुम हाँ नाच नहीं हमारे वाके खावे के लाने भूखन मर रहे। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खाद्यान्न विभाग की बैठक में जिले के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने समिति प्रबंधकों एवं सेल्समैनों को 2-2 हिदायत दी है कि अब अगर राशन वितरण में किसी भी तरह की धांधली हुई तो उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतों की प्रशासन जाँच कर रहा है। वहीं 2 सोसाइटियों पर प्रशासन FIR कर चुका है। प्रशासन के द्वारा इस बात की भी जांच की जा रही है कि कोरोना काल के दौरान जिले में अप्रैल मई जून माह 2021 में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बांटे जाने वाले निःशुल्क राशन को बांटा गया है या नहीं बांटा गया, क्योंकि लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलने वाले मुफ्त राशन में केवल एक योजना का राशन बांटा गया और दूसरी योजना के राशन को बांटने में भारी अनियमितता हुई है, जिसकी प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे भ्रष्टाचार में जिला कलेक्टर के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को दिए गए पत्र में यह माना गया है कि जिले में कोरोना काल के दौरान खाद्यान्न में तकरीबन 32 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, क्योंकि POS मशीन में खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया जबकि गोदाम खाली कर दिए गए। इसको लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रमुख सचिव नागरिक आपूर्ति को यह कहा गया है कि वह इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं, क्योंकि जिन्होंने भी गरीबों के हक पर डाका डाला है उन्हें जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होना होगा। बुंदेली तरकस के लिए निवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। उनको आपने सख्त हिदायत दी है कि अब NSA की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, जो आज की बैठक जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, ये हमारी एक विभागीय समीक्षा बैठक थी जिसमें हमने राशन वितरण और उससे संबंधित पहलुओं की समीक्षा करी है। और हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है सेल्समैन को, सहायक सेल्समैन को, समिति प्रबंधकों को कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता कालाबाजारी की श्रेणी में आती है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3/7 में ये आपराधिक कार्य होता है। तो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे अपराध की अभिव्यक्ति हो, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। उसके अलावा सर, पिछले कोरोना काल के दौरान भी लोगों की लगातार शिकायतें नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ और बड़े स्तर पर हुआ, तो उसका क्या हो रहा है सर? देखिए, ये निश्चित रूप से इस तरह की शिकायतें समय समय पर हम लोगों को प्राप्त होती है और इस शिकायत को हमने संज्ञान में लिया भी है, इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी हम लोगों ने तैयार की है और जाँच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पक्ष होगा उसके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।